अगर आप भी यूज़ कर दो डेली लाइफ में एक स्मार्टफोन, तो आपने कभी ना कभी अपने स्मार्टफोन की माई फाइल में एक फोल्डर जरूर देखा होगा जिसका नाम DCIM। तो ये क्यों होता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँ कि DCIM फोल्डर आपके हर स्मार्टफोन में क्यों होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के न्यू एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड, DCIM एक फोल्डर जिसकी फुल फॉर्म में डिजिटल कैमरा इमेज, तो ये डायरेक्टली इसलिए हमारे फ़ोन में, हर स्मार्टफोन में इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगर आप कोई फ़ोटो लेते हो या कोई वीडियो शूट करते हो तो डायरेक्ट इस फोल्डर में अपलोड होता है। तो अगर आप इस फोल्डर को डिलीट कर दोगे तो आपकी सारी जो वीडियो हैं या फ़ोटो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगी। और अगर आप कभी भी कोई फ़ोटो क्लिक करते हो या वीडियो बनाते हो या शूट करते हो तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में ये फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड, हर DSLR में भी ये फोल्डर, DSLR की जो मेमोरी होती है उसमें भी ये फोल्डर 100% होता है DCIM। तो इसी का यही एक रूल था, क्योंकि अगर आप किसी अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन से कोई शेयर करते हो या कोई ट्रांसफ़र करते हो, कोई इमेज या फोटो या वीडियो, तो डायरेक्ट आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े इस फोल्डर ढूंढने के लिए, इमेज ढूंढने के लिए, आप डायरेक्ट इसमें जाकर अपने फोटो या वीडियो ट्रांसफ़र कर पाओ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में कोई भी इशू है तो आप हम कमेंट के जरिए पूछ सकते हो।